आजम शहबाज शरीफ और यूएई के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने बारिशों से पैदा चैलेंजेस का मुकाबला करने पर हुकूमत आवाम के हौसले को सराहा। शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरक इकदाम पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा तआवुन को मजीद बढ़ाने के अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी। इजलास में एडी ख्वाजा की सरबराही में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की जानिब से रिपोर्ट की तारीफ। शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक दूसरे से तआवुन की हिदायत। फैजाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान सामने आ गया। बयान में कहा, TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन ईमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। TLP के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। तय पाया था कि कारकुनान और क़यादत के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएंगे। और सदर आसिफ अली जरदार के मुश्तरक अजलास से खिताब के दौरान हंगामा राय। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असम्बली रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा कि जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने स्पीकर डाइस के करीब धमकी में लहजा इस्तेमाल किया। दोनों रकी ने बाजे बजाए ऐवान की तोहीन की।